शरद भुईर मेरी यूट्यूब ओड कलेजी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने देखा कि अभी तक 10 क्वार्टरली फिगर सीखने के लिए 10 क्लास हमने ज्वाइन किए हैं और अभी आगे के पादान पर 11वें क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। और से बोलो तो हमने देखा कि स्केच पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, पोस्टर कलर पेंटिंग और 10वें क्लास में हमने क्राइलिन कलर पेंटिंग देखी है। अभी हम आगे बढ़े गए और वार्ली फिगर का बदलाव भी होने लगा और साथ साथ कलर का भी बदलाव हम लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह ऑयल पेस्टल का इस्तेमाल हम इस पेंटिंग में करेंगे। तो चलो अब शुरुआत करेंगे। इसी तरह हम 11 नंबर क्लास में वार्ली फिगर को थोड़ा बदलाव कर चुके हैं, जैसे कि जो त्रिकोण दिखाते हैं हम लोग वार्ली फिगर बनाने के लिए और सर्कल दिखाते हैं, वो त्रिकोण में अभी थोड़ा बदलाव हो चुका है और इस बदलाव के सहारे हम थोड़े फिगर को अलग दे रहे हैं। और वैसे ही यह दो नृत्यांगना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से उनके पाँव भी थोड़े अलग से दिखाने की कोशिश की, हाथ भी अलग है। और इसी तरह ये पिक्चर हम कलर करने की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मार्किंग तो हो चुकी है, अभी पीला कलर लिया है तो पीला कलर हम लोग इसी तरह पीला कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वैसे ऑयल कलर पेस्टल भी कम ज़्यादा पेपर पर लग जाते हैं, लेकिन उसको अगर आप घसने की कोशिश करेंगे वो हिसाब से वो कम ज़्यादा आपको काम में आएंगे। इसी तरह पीला कलर है और पीले कलर में थोड़ी पेंटिंग के पिछला भाग जो रहता है या फिगर के पीछे का भाग, इसको थोड़ा आकर्षकता सजाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी पीला कलर लिया, थोड़ा सा ऑरेंज दिया, ये ऑरेंज कलर थोड़ा सा दे रहे हम लोग पीले के बाद। ये देखो इसी तरह ये ऑरेंज कलर है, इसकी एक लेयर यहाँ दिखा दे रही है। इसी तरह फिगर को एक आकर्षकता दिखाने की कोशिश हो रही है। देखो तो ये ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा लाइट 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 करके डाल रहे हम लोग, लगा रहे ऑरेंज। ऑयल पेस्टल में भी बहुत फर्क आता है, अच्छे क्वालिटी के आते हैं, थोड़ी लो क्वालिटी के आते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से हम लोग थोड़ा लो क्वालिटी लेकर ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और वो अच्छे तरह से पेंट भी करेंगे। अभी ये देखो कि ऑरेंज कलर है, ये थोड़ा दिखा दिया, थोड़ा सा वाइट भी घुमा सकते हैं, वहाँ मिक्सिंग अच्छा हो जाता है वाइट कलर की वजह से। ऑयल कलर एक पेस्टल कलर है, वो वाइट कलर जैसे ही लगते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि थोड़ा रेड कलर ले रहे हैं, रेड कलर से किधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली नृत्य करने वाली है नृत्य अदाचारित करने वाली दिन फैद किधर हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह ऑयल कलर ये ऑयल पेस्टल से हम लोग काम करा रहे हैं, ऑयल पेस्टल है, पेस्टल कलर जो खड़ू जैसे ही रहते हैं बच्चों को, बच्चों के हिसाब से पेंटिंग आसान रहती है। कलर पेंसिल थोड़ी उसके कलर थोड़े डीम आते हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि रेड कलर यानी ऑयल कलर का, ऑयल पेस्टल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह इस फिगर में हम देखेंगे कि ये फिगर में हम लोग आपको बताया था कि रेक्टेंगल, जैसे कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में त्रिकोण में हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर चुके हैं और बदलाव करने के बाद फिर इसमें दिखते हुए उसको दिखाने के लिए वो बदलाव जरूरी था, इसलिए वाली पेंटिंग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह ये फिगर फिगर इसी तरह हम रेड कलर दिया, उसके बाद हम खाल पर ग्रीन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन कलर की कोशिश करेंगे, उसका थोड़ा
पेंटिंग करने की थी। तो जो क्रिस्टन कलर है वो बसने तो बहुत पड़ते हैं, खड़ू ये जो रबर उसके अंदर जो रहता है वो भी जैसा, इसीलिए उसको पेपर पर घसना ही पड़ता है कुछ। और इसी तरह ये ग्रीन कलर है वो आपको दो तीन बार घसना ही पड़ेगा तो ये अच्छा दिखता है। इसी तरह दो कलर इस्तेमाल कर चुके हैं, क्रिस्टल कलर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग अभी वायलेट कलर फेस्टिवल कर रहे हैं। ऑयल पेस्टर है लेकिन वो वाइट कलर के या वायलेट कलर के। तो इसी तरह इस पेंटिंग में घसना बहुत पड़ता है। देखो ये ऑयल कलर का वायलेट कलर है, ज़्यादा दबाना तो बहुत फिर वो अच्छा दिखता है। वैसे हम रेड कलर का भी इस्तेमाल किया है, ईयर इधर है उसको भी आपको बार बार थोड़ा घसना ही पड़ेगा। ये वायलेट कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऑयल पेस्टर वायलेट कलर, इसीलिए उसमें बहुत पड़ता है। थोड़ी सी चमक रहती है कलर को, ये वायलेट कलर है। और इसी तरह अभी वायलेट कलर के बड़ा के हम लोग उसके फिगर के हाथ निकालने की कोशिश करते हैं। एक पैसा दो नंबर वाली फिगर है, इसी तरह वैसे ही हम लोग वो रेड फिगर भी बनाएंगे जिसका अर्थात हम दिखाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह इस फिगर पर निश्चित आपको 4 mm लोग वारंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इस कलर हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह ऑयल पेस्टर कलर ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा दबाओगे तो भी तकलीफ इसको होती है, टूट भी जाता है और क्वालिटी भी कम ज़्यादा अच्छे आते ही है। वैसे बात नहीं है कि, लेकिन बच्चों के हिसाब से क्वालिटी है और वही मैं दिखा रहा हूँ आपको। छोटे बच्चे बिगनर के लिए यही कलर दिखाना अच्छा रहेगा क्योंकि हम कम खर्चा में सीखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा लो क्वालिटी की भी कलर ला सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग यह फिगर में अभी पैर दिखाना बाकी है तो हम लोग दिखा रहे हैं इसी तरह जोश पूर्ण नृत्य हो इसका ऑयल पेस्टर कलर से हमने बनाने की कोशिश की है। और जो ट्रायंगल है या त्रिकोण है उनका से थोड़ा सा बदलाव किया है और इसी तरह जोश पूर्ण नृत्य का पिक्चर पूर्ण हो चुका है। अभी उसको और सजाने के लिए हम लोग थोड़ा स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे कि वो और लुभाना लगेगा क्योंकि ऑयल कलर पेस्टर है उसमें थोड़ा सा रफ पेंटिंग हो जाती है। इसे थोड़ा आउटलाइन करेंगे तो उस पर जान आ जाएगी।
यश की फिगर देख पा रहे हैं। इसी तरह आप थोड़ा उसको परख कर सकते हैं। स्केच पेन इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा आउटलाइन के लिए कर सकते हैं, या एक कलर पिस्टल से भी काम ले सकते हैं। इसी तरह आस्ते आस्ते कलर पेंटिंग आई कलर से बन चुकी है। इसी तरह ऑयल कलर पेस्टल जो आए उनका इस्तेमाल थोड़ा सा और कर रहे हैं हम लोग कि बैकग्राउंड अच्छी दिखे और स्पीकर को थोड़ा सा चमकाया हुए। इसी तरह हम लोग फिर नकल पेस्टल कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर नकल देता रहे।